गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अपना थर्ड ईयर का टॉपिक सीएफटी, जो हमारे बीएससी पार्ट केमिस्ट्री थर्ड ईयर का जो पहला पेपर है इनऑर्गेनिक, इसमें हमने लास्ट में दो वीडियो हम सीएफटी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, सीएफटी के गुणधर्म और किस प्रकार हमारे पास में टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय संकुल में किस प्रकार डी कक्षकों का विपाटन होता है। आज हमारे पास में है सीएफसी, सीएफएसई, जिसको हम डेल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके जो सीएफएसई है, इसका मान हम किस प्रकार निकालते हैं, दुर्बल क्षेत्र के लिए, प्रबल क्षेत्र के लिए हम किस प्रकार निकालते हैं, उसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। और हमारे पास में D1 में विन्यास क्या होगा, प्रबल क्षेत्र में क्या होगा, दुर्बल क्षेत्र में क्या होगा, उन सब का अध्ययन हम डिटेल से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में सीएफएसई क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएं, यानी कि हमारे पास में समभ्रंश डी कक्षक है, समभ्रंश डी कक्षक है, यानी कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। जब ये कक्षक किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं, यानी कि लिगेंड की उपस्थिति में इन कक्षकों का जो विपाटन है वो दो भागों में हो जाता है, विपाटन दो भागों में हो जाता है, ठीक है। लिगेंड की उपस्थिति में अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन, और यहाँ पे हमारे पास में इसका एनर्जी लेवल ये होना चाहिए था, ठीक है। ये टोटल हमारे पास में जो डिफरेंट है, जिसको हम डेल ओ या टेन डी क्यू, ये इसको हम सी एफ एस सी कह सकते हैं अष्टफलकीय संकुल के लिए, ठीक है। इसका मान होता है हमारे पास में 0.6 डेल ओ, ये -0.4 डेल ओ यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ये हमारे पास में T2Z और ये हमारे पास में है EZ, ठीक है। अब देखो हमारे पास में अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना हम किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में देखो इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा माइनस 0.4 इंटू एन वन T2Z प्लस 0.6 गुणा N2 EZ और कोष्टक से बाहर हम डेल ओ लगा देंगे, यानी कि इस फॉर्मूले की सहायता से हम डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का सीएफएसई का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास में, देखो एक होता है प्रबल लिगेंड क्षेत्र और एक होता है दुर्बल लिगेंड क्षेत्र। प्रबल लिगेंड क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन चार याद रखने हैं, जैसे हमारे पास में NH3 है, एमीन है, कार्बोनिल है, CN- है, एथिलीन डाई एमीन है, NO2- है, इन सबको याद रखना है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में फ्लोरीन माइनस, ब्रोमीन- आयोडीन- एक्वा, ठीक है। अब देखो प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में क्या होता है, जैसे हमारे पास में विन्यास है D4 विन्यास है, यानी कि डी कक्षक में चार इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमारे पास में प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास में जो दो प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी हमारे पास में एक है युग्मन ऊर्जा,
जिसको हम पाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एक युग्मन ऊर्जा है, एक डेल ओ है, ठीक है। अब देखो हमारे पास में प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा, तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने पर हमारे पास में जो ये वाला डिफरेंट है वो क्या होगा, अधिक हो जाएगा, यानी कि जो विपाटन है वो अधिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक दो और तीन, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास में डेल ओ का मान ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन यहां भरे जाएंगे। अगर हमारे पास में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में क्या होता हमारे पास में, तो ये वाला विपाटन है वो क्या होता है, कम होता है और इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। और अब इसी के आधार पे हम इनमें क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल हमारे पास में इसी के आधार में सीएफएससी का मान निकालते हैं। जैसे हमारे पास इसके लिए ही हो, डी फोर विन्यास के लिए, डी फोर विन्यास के लिए सीएफएससी का मान सबसे पहले देखो -0.4 गुणा एन वन का मतलब है ये हमारे पास में एन वन और ये हमारे पास में एन टू। प्रबल लिगेंड क्षेत्र की प्रेजेंस में बात करें तो चार इलेक्ट्रॉन यहां भरे जाएंगे, तो 0.4 एन वन का मान है कि टी टू जी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यहां पे चार इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, प्लस 0.6 गुणा एन टू यानी ई जी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, जीरो, और कोष्टक से बाहर डेल ओ। डेल ओ का मतलब क्या है, अष्टफलकीय संकुलों के लिए सी एफ एस सी का मान। ये हमारे पास में -1.6, ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसके लिए हमारे पास सी एफ सी मान कितना हो जाएगा, -1.6 डेल ओ, ठीक है। अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए होता, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता और हम क्या करते हैं इसमें, देखो -0.4 गुणा 3 प्लस 0.6 गुणा 1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, हम 1 भर देंगे और बाहर हम लगाएंगे डेल ओ, ठीक है। -1.2 प्लस 0.6 तो कितना बचेगा हमारे पास में, -0.6 डेल ओ, ठीक है। इसी प्रकार हम D1 से लेके D10 तक अष्टफलकीय है, फिर हमारे पास में D1 से लेके D10 तक चतुष्फलकीय संकुलों के लिए हम इस प्रकार मान निकालेंगे, सभी के लिए एक-एक का निकालते हैं। तो देखो यानी कि पहले हमारे को ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पास में फॉर्मूला कैसे बनेगा, यानी कि अष्टफलकीय संकुलों के लिए हमारे पास में विपाटन इस प्रकार होता है, चतुष्फलकियों में जो विपाटन है इसका जस्ट विपरीत होता है। अष्टफल की हम बात करें सीएफएससी की, तुम्हारे पास में सबसे पहले हमारे पास में ये दूरी कितनी, हमारे पास में -0.4 N1 का मतलब इस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ठीक है, यानी T2Z, ये हमारे पास में T2Z है, फिर ये वाला हमारे पास में प्लस 0.6 गुणा N2, इजी में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और डेल ओ, ठीक है। अगर हमारे पास में टेट्राहेड्रल मिलेंगे तो हमारा पास विन्यास हमारे पास में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसके लिए हमारे पास में अलग से फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पास में जो अष्टफलकीय संकुल है, अष्टफलकीय संकुल में प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र दोनों लिगेंड की प्रेजेंस में, दोनों में हमारे पास में सीएफएससी का मान निकालना है, उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। पहला हमारे पास में है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हम लिख लेंगे क्रम संख्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पश्चात हम लिखेंगे प्रबल क्षेत्र, प्रबल क्षेत्र की उपस्थिति में डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर हमारे पास में सी एफ एस ई का मान जहां हम फॉर्मूला का हम कौन सा लेंगे, -0.4 N1 T2Z प्लस 0.6 N2
इजी। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास में दुर्बल क्षेत्र की उपस्थिति में, दुर्बल क्षेत्र की उपस्थिति में डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और फिर हमारे पास में वही सी एफ एस ई का मान। ठीक है, एक सारणी बन जाएगी और सारणी में हम इन सबको मानों को हम रख देंगे। सबसे पहले हमारे पास में देखो विन्यास हमारे पास में हो D1, क्या हो D1 विन्यास हो। अब D कक्षक में प्रबल क्षेत्र लिगेंड में हमारे पास में D कक्षक है, उनका विपाटन दो भागों में होता है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, इनको हम कहते हैं इजी, इनको हम कहते हैं T2Z। ठीक है, अब D1 है यानी हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ आसानी से भर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब CFSE का मान निकालेंगे इस फॉर्मूले से, तो क्या होगा 0.4 × 1, एक इलेक्ट्रॉन है और बाहर हम डेल वो लगा देंगे, प्लस 0.6, ये हमारे पास में माइनस का है, ये माइनस 0.4 × 1 प्लस 0.6 × 0 डेल ओ। ठीक है, इसका मान कितना आएगा -0.4 डेल ओ। दुर्बल क्षेत्र की स्थिति में हमारे पास में विन्यास यही रह जाएगा D1 का, यानी D1 है वो हम दोनों के लिए यहां ले लेंगे, ये हमारे पास में T2Z, ये हमारे पास में इजी। ठीक है, यहां भी हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला काम ले लेंगे, -0.4 × 1 प्लस 0.6 × 0 और डेल ओ, इसका मान मेरे पास कितना आएगा -0.4 डेल ओ। चाहे प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो, D1, D2, D3 में सेम विन्यास रहेगा दोनों के लिए, हमारे पास में जो मान है वो हमारे पास क्या रह जाएगा प्रबल क्षेत्र में और दुर्बल क्षेत्र में क्या रहेगा सेम ही रहेगा, D2 है, D2 के विन्यास में ये इजी, ये T2Z इजी और T2Z। अब इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास में 2 है। ठीक है, अब मान क्या होगा -0.4 × 2 प्लस 0.6 × 0 और डेल ओ -0.8 डेल ओ। इसी प्रकार हम इसमें भर देंगे -0. इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां भरा रहेगा इजी और ये हमारे पास में T2Z, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं इजी T2Z, वही विन्यास -0.4 × 2 प्लस 0.6 × 0 डेल ओ। ठीक है, -0.8 डेल ओ, यानी कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1। अब D1 के लिए चाहे प्रबल क्षेत्र हो दुर्बल क्षेत्र हो दोनों में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा हमारे पास में T2Z में रहेगा, यहाँ भी T2Z में रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन है, ये हमारे पास में उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे पास में D4 से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे D4 से। अब बात करते हैं हम D3 की, D3 में हमारे पास में ये हमारे पास में इजी, ये हमारे पास में T2Z इजी और T2Z, तीन इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे ऐसे ही। ठीक है, यहाँ हम ये मान निकालेंगे -0.4 × 3 प्लस 0.6 × 0 और डेल ओ, इसका मान -1.2 डेल ओ। इस वाले में ये हमारे पास में इजी
ये T2Z, इसमें भी तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, इनका मान भी सेम इसी फॉर्मूले से -0.4 × 3 + 0.6 × 0 डेल ओ, और वही हमारे पास में -1.2 डेल ओ। ठीक है, यानी कि हमारे पास में सारणी है, बिल्कुल इजी है। सारणी हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में D1 से लेके D10 यानी कि अष्टफलकीय संकुलों के D1 से D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए CFSE की गणना ये हमारे पास में अष्टफलकीय संकुल के लिए है, D1, D2, D3। इसके लिए हमारे पास में चाहे प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो चाहे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो, दोनों ही स्थिति में हमारे पास में जो इनका डेल ओ का मान है यानी CFSE का मान है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। अब हमारे पास में विन्यास चेंज होगा D4 में, D4 है प्रबल क्षेत्र लिगेंड में क्या होगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, ये हमारे पास में इजी, ये हमारे पास में T2Z। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, -0.4 × 4 + 0.6 × 0 डेल ओ और -1.6 डेल ओ। अब हमारे पास में दोनों के लिए CFSE का मान क्या आएगा, अलग आएगा प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र के लिए। यहाँ हमारे पास में ये दुर्बल क्षेत्र के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं इजी और T2Z, 1, 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। विन्यास क्या होगा, -0.4 × 3 + 0.6 × 1 डेल ओ, और हमारे पास में -1.2 + 0.6 = -0.6 डेल ओ। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो फॉर्मूला है -0.4 N1 - 0.4, इसको मैं सही लिखता हूँ -0.4 N1 का मतलब है T2G कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, +0.6 N2 EG कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, नेक्स्ट विन्यास हमारे पास में है D5, और D5 के लिए देखो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास में T2Z, ये हमारे पास में, ठीक है, -0.4 × 5 + 0.0 डेल ओ, ये हमारे पास कितना हो गया, -2.0 डेल ओ। ठीक है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में क्या होगा, देखो ये T2Z और ये EZ, T2Z में हमारे को 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब विन्यास क्या होगा, देखो ब्लैक से लिख देते हैं इसको भी, -0.4 × 3 + 0.6 × 2 डेल ओ, -1.2 + 1.2 और 0 डेल ओ। यानी कि D5 विन्यास के लिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने से इसके CFSE का मान कितना है, -2.0 और यहाँ पे कितना है 0। इसी प्रकार विन्यास D6 के लिए चलेगा, D6, D7, D8, D9 और D10। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये D6,
D7, D8, D9 और D10। इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम। सिक्स वाले में 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, 0 रहेगा अभी भी। T2z इजी, मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, -0.4 गुणा 6 प्लस 0.6 गुणा 0 डेल ओ कितना आएगा, -2.4 डेल ओ। ठीक है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में देखें हम, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में बने 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास में ईजी और नीचे वाला T2z है। 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसका मान निकालें, -0.4 गुणा 4 प्लस 0.6 गुणा 2 डेल ओ, -1.6 प्लस 1.2 -0.4 डेल ओ। ठीक है, इसी प्रकार D7 के लिए देखते हैं हम। D7 में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब विन्यास भरे जाएगा इसमें, अब इसका विन्यास हमारे पास में -0.4 गुणा 6 प्लस 0.6 गुणा 1। अब पहला इलेक्ट्रॉन हमारे पास में किस में आएगा, इजी में आएगा, डेल ओ सोल्व करेंगे, माइनस के 2.4 प्लस 0.6 तो कितना बचेगा हमारे पास में, -1.8 डेल ओ। इस वाले की बात करें, इसमें हमारे पास में वही 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसका मान निकालेंगे हम कैसे, -0.4 गुणा 5 प्लस 0.6 गुणा 2 और लास्ट में डेल ओ, -2.0 प्लस 1.2 और इसका मान आएगा -0.8 डेल ओ। ठीक है, फिर हमारे पास में D8 के लिए विन्यास, फिर D9 के लिए और फिर D10 के लिए। D8 में भर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और इसका मान निकाल लेंगे हम, -0.4 गुणा 6 प्लस 0.1 गुणा 2 और डेल ओ, हमारे पास में 2.4 प्लस 1.2 -1.2 डेल ओ का माना जाएगा। फिर इसमें भरे हम इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, अब इसका मान क्या होगा, मान सेम ही आएगा, 0.4 गुणा 6 प्लस 0.6 गुणा 2
डेल ओ, और इसका मान आ जाएगा माइनस 2.4 प्लस 1.2 माइनस 1.2 डेल ओ। अब D9 और D10 के लिए विन्यास क्या आएगा, सेम आएगा। D9 में हमारे को इलेक्ट्रॉन भरने हैं 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं 9 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, और इसका मान होगा माइनस 0.4 गुणा 6 प्लस 0.6 गुणा 3 डेल ओ माइनस 2.4 प्लस 1.8 और कितना बचेगा माइनस 0.6 डेल ओ, और इसमें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ विन्यास सेम ही रहेगा और मान इसमें कितना जाएगा माइनस 0.6 डेल ओ। टेन वाला है, टेन वाले में दोनों के लिए मान कितना जाएगा जीरो आ जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये 10, और इसका मान कितना आएगा जीरो आएगा, माइनस 0.4 गुणा 6 प्लस 0.6 गुणा 4 डेल ओ माइनस 2.4 प्लस 2.4 बराबर 0 डेल ओ। इसका भी विन्यास सेम हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, और इस मान कितना हमारे पास में 0 डेल ओ। ये हमारे पास में अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना है, यानी कि हमारे पास में अष्टफलकीय संकुलों के अंदर हम किस प्रकार CFSE निकालते हैं। अब देखो हमें इसमें एक चीज हमारे पास में ये है, परबल क्षेत्र की उपस्थिति में डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, हमारे पास में D1, D2, D3 में हमारे पास में मान समान है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब प्रबल क्षेत्र में और दुर्बल क्षेत्र में, इन दोनों के लिए हमारे पास में जो डी कक्षक का विपाटन है वो क्या है समान है, यानी मान हमारे पास में देखो यहाँ कितना आ रहा है माइनस 0.4 माइनस 0.4 माइनस 0.8 0.8 1.2 1.2 आ रहा है। D4 विन्यास से हम देखें, D4 विन्यास से हम देखें यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन T2G में भर दिया, इजी में नहीं गया। इसका कारण ये है, प्रबल क्षेत्र में प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होता है कि हमारे पास में जो T2G ईजी कक्षक के अंदर जो डेल ओ का मान है वो क्या हो जाता है अधिक हो जाता है, और डेल ओ का मान युग्मन ऊर्जा से क्या हो जाता है अधिक हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए हमें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ न जाके कहाँ बढ़ते हैं हम यहाँ बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास में चौथा इलेक्ट्रॉन देखो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है, तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड क्या करता है उनमें जो हमारे पास में डेल ओ का मान है यानी कि CFSE को उसको कम मात्रा में डिवाइड कर पाता है, और कम मात्रा में डिवाइड करने के कारण हमारे पास में क्या होता है D4 माइनस 1.6, कम मात्रा में डिवाइड करने के कारण इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा के कक्षक में चला जाता है। अब देखो यहां पे डिफरेंट माइनस 1.6 डेल ओ है और यहां पे कितना है माइनस 0.6 डेल ओ है, ठीक है। फिर हमारे पास D5 में वही कंडीशन रहेगी, हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये हमारे पास में खाली रहेंगे, छठा इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे, अब सातवां इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास में कैसे कंप्लीट भरे हुए युग्मित इलेक्ट्रॉन है, फिर सातवां यहाँ चला जाएगा, फिर आठवां, फिर नौवां और फिर दसवां, यानी कि नौवें में और दसवें में इनका मान क्या होता है सेम होता है। पै एक दो तीन यानी विन्यास हमारे पास में D1, D2, D3, D9 और D10 के ऊपर प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का प्रभाव क्या रहता है समान रहता है, इनमें हमारे पास में जो CFSE का मान क्या होता है समान होता है,
ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास में किसका आएगा, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए तो हमारे पास में D1 से लेके D10 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उनका भी इसी प्रकार सभी का हम क्या निकालेंगे, CFS की गणना करेंगे। उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग रहेगा, उसमें किस प्रकार डिवाइडेशन होता है पहले हम उसको पढ़ेंगे और उसके बाद उसके अध्ययन करेंगे जो हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, धन्यवाद।